जय श्री राम, जय प्रभु हनुमान जी की। आपका आज फिर से संपूर्ण ज्ञान चैनल में स्वागत है। और हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं, या ये कहिए समझने जा रहे हैं, शब्दर सहित नैना देवी चालीसा को। अब देखिए, नैना देवी चालीसा का पहले बता दूं मैं इनके बारे में। देखिए, इनके बारे में कई यहाँ पर कहानियाँ हैं, जो कि वैसे देखा गया है तो तीन ही कहानियाँ इनसे जुड़ी हैं नैना देवी से। पहली यहाँ पर ये है कि जब सती माँ ने भस्म कर दिया अपने आप को यज्ञ में, तो शिव जी उनके जले हुए शरीर को उठाकर पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे। और जब घूमने लगे तो लगा कि प्रलय हो जाएगी, तो विष्णु जी ने इनके एक एक अंग काट दिए। तो ये कहा जाता है कि जहाँ पर इनकी आँख गिरी है वहाँ पर इनको नैना देवी कहा गया है। अब देखिए, ये पहली कथा हो गई। दूसरी कथा में ये कहा गया है कि एक बार एक गुज्जर समाज या गुज्जर एक लड़का था जिसका नाम नैना था। तो उसने ये देखा कि वहाँ पर टीले के नीचे एक पिंडी है, और वहाँ पर एक गाय जो है वहाँ अपने आप उस पर दूध, मतलब गाय का दूध अपने आप निकलने लगा उस पिंडी के ऊपर। और रात में उस लड़के को माँ ने दर्शन दिए। तो वहाँ पर एक बीर सिंह राजा थे। तो बीर सिंह राजा को जब नैना नाम के लड़के ने बताया, तो वहाँ पर उन्होंने वहाँ मंदिर बनवा दिया और उसका नाम रखा नैना देवी रखा, क्योंकि नैना नाम के लड़के ने बताया है। तो देखिए, ये दूसरी कहानी है। देखिए, तीसरा यहाँ पर ये कहा गया है पुराणों में कि जब महिषासुर बहुत बड़ा राक्षस था, तो महिषासुर को मारने के लिए पार्वती माँ ने नैना देवी का रूप रख के उसका मर्दन या उसको मार दिया था। तो जो यहाँ पर दूसरी हमने कहानी बताई है कि नैना नाम के लड़के की, वो वहीं इसी चालीसा में आएगी, जो आपको हम पढ़ के बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जय श्री राम। देखिए, शुरुआत होती है दोहा से। दोहा में कहते हैं, नैनों में बसती छवि, नैनों मतलब आँख में, बसती छवि, छवि मतलब आपका रूप, माँ मेरे आँखों में बसा हुआ है, दुर्गे नैना मात। तो यहाँ पर कह रहे हैं दुर्गे, दुर्गे मतलब दुर्गे नैना मतलब कि यहाँ पर मैया आप ही दुर्गा माँ हैं, और आपकी ही जो नैन है वो माता समान है। मतलब यहाँ पे नैना देवी को माता कहा गया है, छोटे शब्दों में ये कहा जाए। फिर कहते हैं, प्रातःकाल सिमरन करूँ है। देखिए, सिमरन का मतलब, देखिए प्रातःकाल तो सवेरे हो गया, और सिमरन का मतलब हो गया ध्यान करना या याद करना, तो इसको सुमरय भी कहते हैं, तो या सुमिर कहते हैं। तो प्रातःकाल सिमरन करे हूँ, मतलब करूँ है, मतलब मैया मैं आपका सवेरे सवेरे, माता मैं आपकी याद करता हूँ, और जग की विख्यात, और मैया आपका तो नाम पूरे जग में विख्यात है, मतलब सब कोई जानता है जग में कि नैना देवी माँ हैं। आगे देखिए, लिखते हैं सुख वैभव सब आपके चरणों का प्रताप। इसका मतलब ये सुख वैभव, मतलब जो भी सुख है या जो भी वैभव है, वो सब आपके चरणों का प्रताप है। चरणों का प्रताप मतलब कि जो भी आपके चरणों की या जो भी माँ आपकी पूजा करता है, वो हमेशा सुख वैभव से परिपूर्ण या पूर्ण रहता है। ममता अपनी दीजिए। तो मैया, जब मैं पूजा करूँ तो माँ अपनी ममता मुझे आप दे दीजिए। ममता कौन देता है? माँ देती है। तो माँ मुझे आप पुत्र के रूप में या पुत्री के रूप में स्वीकार कर लीजिए। या यहाँ पे कह रहे हैं, जो भी भक्तगण पूजा करे तो माँ उसको पुत्र या पुत्री के रूप में आप स्वीकार कर लीजिए। मैं बालक करूँ जाए, मतलब कि कह रहे हैं कि मैं बालक जो हूँ, जबकि पूजा करूँ तो आप मुझे अपने पुत्र के रूप में ममता दीजिए। आगे देखिए, चौपाई आ गई। यहाँ कहते हैं कि नमस्कार है नैना माता। तो यहाँ पर जो इसके रचयिता है वो नमस्कार कर रहे हैं नैना माता को। और दीन दुखी की भाग विधाता, और जितने भी दीन हैं, मतलब परेशान लोग हैं या दुखी लोग हैं, उनकी भाग विधाता, विधाता मतलब होता है ईश्वर, तो उनकी भाग बनाने वाली आप देवी हैं मैया। जो भी दीन दुखी होता है, जो आपकी पूजा करता है, तो उसका भाग आप अच्छा कर देती हैं। पार्वती ने अंश दिया है, तो इसका यहाँ अर्थ हुआ कि पार्वती माँ का अंश है आप। तो देखिए, यहाँ पर दोनों कहानी मिला दी गई है। तो पार्वती माँ ने अंश दिया है, इसका मतलब होता है कि सती माँ, ये बताया मैंने आपको कि जब सती माँ भस्म हो गई थी, तो शिव जी लेकर चल पड़े थे। अब चूंकि उनका बड़ा खराब रूप हो गया था शिव जी का, ऐसा लगता था प्रलय आ जाएगा,
तो यहाँ पर क्या हुआ कि विष्णु जी ने में चक्र से काटा, तो जहाँ पर इनके नयन ग्रह आँखें गिरी हैं वहीं पर नैना देवी, इसलिए लिखा है पार्वती जी ने अंश दिया है नैना देवी नाम किया, इसलिए इनको नैना देवी नाम से पुकारा जाता है। फिर आगे देखिए लिखते हैं दबी रही थी पिंडी योग। अब यहाँ देखिए दूसरी कहानी शुरू हो गई है जो हमने आप बताई थी कि वो जो नैना नाम की लड़की थी, तो यहीं पर कह रहे हैं कि दबी रही थी पिंडी होकर, मतलब इनकी पिंडी जो थी दब गई थी नीचे, चरती गाय वहाँ खड़ी होकर, वहीं पर बहुत सारी गाय चरती थी। एक दिन अनसुईया गौ आई, एक दिन अनसुईया नाम की एक गौ माता आई, पिया दूध और थी मुस्काई, और उन्होंने अपना दूध उन पर डाला पिंडी पर, तो इन्होंने दी पिया दूध और थी मुस्काई, और मुस्कुराने लगी नैना देवी माता जो पिंडी के रूप में थी। तो नैना ने देखी शुभ लीला, जो नैना नाम का गुज्जर लड़का था उसने इनकी शुभ लीला देखी कि एक पिंड की वहाँ पर उस पिंडी के ऊपर जो थी पिंडी दब गई थी चूंकि, तो उस स्थान पर जो अनसुईया माँ अपना दूध अपना उस पर दे रही हैं, उस पर दूध निकाल रही हैं, तो नैना ने देखी शुभ लीला, तो नैना नाम के लड़के ने उनकी ये शुभ लीला देखी। आगे डर के भागा ऊंचा टीला, और डर के भाग गया और जाके ऊंचे टीले पर चढ़ गया। भाई लड़का बेचारा परेशान हो गया कि उस मैंने क्या देख लिया है, डर गया बच्चा। वो शांत किया सपने में आकर, तो मैया आप उसके सपने में आई नैना नाम के लड़के के, और आपने उसको शांत किया, देखो डरो मत मैं माँ हूँ, ऐसा उन्होंने कहा। तो शांत किया सपने में आकर, फिर कहा मुझे पूज नैना तू आकर, और कहा नैना नाम ए नैना तू मुझको मेरी पूजा करा कर, ऐसा उन्होंने स्वप्न दिया नैना नाम के लड़के को। फूल पत्र दूध से भज ले, तो उन्होंने कहा कि फूल ले आ और पत्र दूध से भज ले, और जो पात्र जो दूध से भर ले, और तू मतलब दूध का भरा पात्र ले और फूल ले आ, और प्रेम भावना से मुझे जप ले, और प्रेम भावना से मेरी पूजा कर, मेरा तू ध्यान कर, उन्होंने नैना को कहा। आगे देखिए लिखते हैं तेरा कुल रोशन कर दूंगी, उनका नैना तू मेरी पूजा कर तो जो भी तेरे कुल में है उसको मैं रोशन कर दूंगी, मतलब मैं उसको सब कुछ दे दूंगी, सुख समृद्धि सब कुछ दे दूंगी मैं उसको, ऐसा लिखा है। उसके बाद कहती है भंडारे तेरे भर दूंगी, और तेरे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी, भंडारे मतलब अन्न की कमी नहीं होगी तेरे घर में, वो मैं तेरे घर में पूरा भर दूंगी। नैना फिर कहते हैं नैना ने आज्ञा को माना, तो जो माँ ने उससे कहा था नैना ने वो आज्ञा मानी, और शिव शक्ति का नाम बखाना, और शिव शक्ति का उन्होंने साथ में पूजा करी। अब देखिए तो ब्राह्मण संग पूजा करवाई, तो नैना नाम के लड़के ने जब बताया वीर सिंह को, लिखा नहीं यहाँ पर, जब बताया वीर सिंह राजा को तो वीर सिंह ने पूजा करवाई, तो यहाँ लिखा है कि ब्राह्मण संग पूजा करवाई, मतलब ब्राह्मण को बुलाकर पूजा करवाई। दिया फलित वर माँ मुस्काई, और माँ ने इसको नैना नाम के लड़के को, या कहिए जो वीर सिंह है उसको भी इन्होंने वहाँ पर वर दिया मुस्का कर। ब्रह्म विष्णु शंकर आ गए, तो जब पूजा हो रही थी वहाँ पर ब्रह्मा विष्णु शंकर सभी आ गए थे, और भवन आपके पुष्प चढ़ाए, भवन मतलब जो मंदिर बना था उस पर उन्होंने आगे खुद पुष्प चढ़ाए, तीनों देवता जो त्रिदेव हैं उन्होंने आपके ऊपर पुष्प चढ़ाए। पूजन आए सब नर नारी, और जितने भी वहाँ के नर नारी सब आपको पूजा करने आए, और घाटी बनी शिवालिक प्यारी। अब देखिए यहाँ पर कहा गया है, आपको बता दूँ इसमें कि जो मंदिर है नैना देवी का ये शिवालिक नाम की पहाड़ियों पे है, और ये हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर ज़िले में स्थित है नैना देवी का मंदिर, और एक नैना देवी का मंदिर नैनीताल में भी है, वहाँ पर भी कहा जाता है कि आँख गिरी थी, पर ज़्यादा महत्तम या महत्व उनको दिया जाता है जो हिमाचल में है बिलासपुर ज़िले में। तो यहाँ इसलिए लिखा है तभी शिवालिक प्यारी, तो घाटी जो मतलब जो शिवालिक रेंज है जो शिवालिक पहाड़ी है वो न्यारी हो गई क्योंकि मैया वहाँ पर आ गई थी, या मैया का मंदिर वहाँ पर बन गया था। आगे देखिए लिखते हैं ज्वाला माँ से प्रेम तिहारा, तो कहते हैं कि ज्वाला माँ से आपका बहुत प्रेम है मैया, और ज्योतों से मिलता है सहारा, और जिनकी ज्योत हैं ज्योत मतलब ज्योति जिनकी जो ज्वाला माँ में हमेशा ज्योत जलती रहती है उनसे मिलता है सहारा। जो भी भक्त अगर पूजा करते हैं तो उनको ज्वाला देवी उन पर कृपा करती है मैया, और पत्तों पर ज्योतें हैं आती, और वहाँ ये लिखा है कि जहाँ पर पत्ते हैं जहाँ पर इनका स्थान है नैना देवी का जहाँ मंदिर है, तो वहाँ पर जो ज्योत जलती है वो पत्तों पर पड़ती है, और देखिए उससे क्या होता है। फिर लिखते हैं कि
तुम्हारे भवन है छा जाती और तुम्हारे भवन में पूरी ज्योत उनकी जो है जो ज्वाला देवी ज्योत है वो पूरी तुम्हारे भवन में छा जाती है। जिनसे निपटता है अंधियारा और जिनसे मिटता है अंधियारा, जिससे अंधियारा मिट जाता है जगमग जगमग मंदिर सारा और पूरा मंदिर जो है जगमग जगमग कर उठता है। चिंतपूर्णी तुम्हारी बहना, अब कहते हैं तुम्हारी बहना चिंतपूर्णी है। देखिए जो चिंतपूर्णी है वो भी हिमाचल प्रदेश में ऊना नाम के ऊना जिले में रहती हैं। तो ऊना जिले और जो बिलासपुर जिला बहुत दूर नहीं है, इसलिए इनको बहन कहा गया है क्योंकि बगल बगल दोनों हैं। तो यहाँ पर चिंतपूर्णी तुम्हारी बहना सदा मानती है जो कहना, और वो आपका हमेशा सदा कहना मानती हैं। माई वैष्णो तुमको जपती, और वैष्णो मैया भी आपको जपती है, आपका स्मरण करती है, सदा आपके मन में बसती और सदा वो आपके मन में भी बसती हैं। मतलब वो आपका स्मरण करती हैं और आप उनको अपने मन में बसाया हुआ है आपको। शुभ पर्वत को धन्य किया है, जो हमारा शुभ पर्वत है उसको धन्य आपने कर दिया क्योंकि आप माँ वहाँ आ गई हैं। और गुरु गोविंद सिंह भजन किया। अब देखिए एक और कहानी थी, ये कहा जाता है कि जो गुरु गोविंद सिंह थे वहाँ पर आके रहे थे एक महीने तक, एक साल तक रहे थे माँ के मंदिर में आके। उन्होंने 1,25,00,000 हवन किया था और वहाँ पर उन्होंने हलवे का प्रसाद चढ़ाया था। तो देखिए वही यहाँ पर कथा आ रही है, और इसमें ये हुआ था कि माँ ने प्रसन्न होकर उनको तलवार भेंट करी थी। तो यहाँ आ रही है कि गुरु गोविंद सिंह भजन किया है, मतलब गुरु गोविंद सिंह ने आके आपके मंदिर में भी पूजा करी थी और शक्ति की तलवार थमाई। और माँ जब आप खुश हो गई तो आपने उनको तलवार उनको भेंट करी थी, जो शक्ति जो आपकी शक्ति थी, इसलिए शक्ति की तलवार थमाई जिसने हाहाकार मचाई, जिसने हाहाकार मचा दी मतलब मुगलों को मार दिया था। तो मुगलों को जिसने ललकारा, क्योंकि उसी के सहारे मुगलों को ललकारा था गुरु गोविंद सिंह ने, और गुरु के मन में रूप तिहारा, और गुरु गोविंद सिंह के मन में आपका रूप था और उसी के बल पे वो मुगलों से लड़ रहे थे। अन्याय से आप लड़ाया, और चूंकि अन्याय किया था मुगलों ने इसलिए आपने उनको लड़ाया गुरु गोविंद सिंह को, और सबको शक्ति की दी छाया, और सबको क्या दिया आपने, छाया दी शक्ति की, और शक्ति शक्ति छाया देंगे तभी तो वो लड़ेंगे जाके, ऐसा माँ आपका प्रताप है। 1,25,00,000 का हवन कराया, अब देखिए 1,25,00,000 हवन करवाया था गुरु गोविंद सिंह ने माँ के मंदिर में, और हलवे चने का भोग लगाया, और गुरु गोविंद सिंह ने हलवे चने का भोग लगाया था। गुरु गोविंद सिंह करी आरती, और आरती करी थी गुरु गोविंद सिंह ने आपके मंदिर में। आकाश गंगा पुण्य वार दी, और आकाश गंगा पुण्य मतलब आकाश गंगा से पुण्य आपने वारती मतलब आपने गुरु गोविंद सिंह को दिया था। तो यहाँ पर देखिए वही कहानी जो बताई थी मैंने, उस कहानी का पूरा रूप यहाँ पर आ गया है। आगे देखिए लिखते हैं, नांगल धारा दान तुम्हारा। अब देखिए जो हमने भाखरा और नंगल डैम पढ़ते हैं तो वहीं जो नंगल धारा है, नंगल डैम है, वो बिल्कुल माँ के पास में है, बहुत दूर नहीं है, 1.25 घंटे 1.5 घंटे का रास्ता होगा वहाँ से। तो लिखे तो इसलिए लिखा है नंगल धारा दान तुम्हारा, मतलब कि दान के रूप में वह नंगल धारा बनाई गई है जो पूर्ण पानी देती है और आपके जो वहाँ रहने वालों को पानी प्रदान करती है। तो नंगल धारा दान तुम्हारा शक्ति का स्वरूप है न्यारा, और मैया आपका शक्ति का स्वरूप है या रूप है वो न्यारा है, उसका मकान नहीं कर सकते, उसके बारे में हम नहीं कह सकते हैं। सिंह द्वार की शोभा बढ़ाए, अब जो वहाँ पर द्वार है मैया वहाँ पर सिंह हैं, मतलब वहाँ पर सिंह द्वार मतलब जो मंदिर है उसके द्वार पर सिंह बने हैं, वो ये बताता है कि सिंह आपकी सवारी हैं। एक बार बता दूँगा, अगर आप गए होंगे मंदिर में माँ के नैना देवी, तो आप बीच में नैना देवी हैं, दाई तरफ काली माँ और बाई तरफ गणेश बाबा हैं, ऐसा वहाँ पर रूप है। और वहाँ बाहर में वहाँ पर एक बहुत पुराने वहाँ बहुत सारे पीपल के पेड़ हैं जो कहा जाता है बड़े बहुत पुराने पीपल पेड़ और शताब्दियों के पेड़ हैं वो वहाँ पर। सिंह द्वार की शोभा बढ़ाए जो पापी को दूर भगाए, और वहाँ पर कहते हैं जो भी मंदिर में वह पापी को दूर भगाए, मतलब जो पाप अगर करता है तो वहाँ पर वो व्यक्ति रह नहीं पाता, या इसको छोटे शब्दों में ये कह लीजिए कि जो कि वो पापियों के पाप को दूर करती हैं अगर वो पूजा करता है। 64 योगिनी नाचे द्वारे, और कहते हैं जो 64 योगिनी हैं वो आपके द्वार पे नाचती हैं, क्योंकि 64 योगिनी के बारे में हमें वीडियो बनाया हुआ है और उसके बारे में आपको मालूम पड़ जाएगा 64 योगिनी का अर्थ क्या है। तो 64 योगिनी नाचे द्वारे, 52 भैरव हैं मतवारे, और जितने भैरव बाबा 52 हैं वो भी आपके मतवाले हैं, वो भी आपके मंदिर में रहते हैं।
रिद्धि सिद्धि चमर सुधावे, और जो रिद्धि सिद्धि जो पत्नियां हैं गणेश जी की वो भी वहाँ रहती हैं। बताया ना आपको, देखिए वहाँ पर जो बीच में नैना देवी है, दाएं तरफ काली माँ और बाएं तरफ गणेश बाबा है, और गणेश बाबा जहाँ रहते हैं वहाँ तो नैना वहाँ रिद्धि सिद्धि रहेंगी। इसीलिए यहाँ लिखा है रिद्धि सिद्धि चमर चमर डुलावें, चमर का तो चमर डुलावें मतलब कि जो जिससे हवा करी जाती है वो वहाँ पर डुलाती रहती हैं। और लंगर वीर आज्ञा पावे, लंगर मतलब लंगूर होता है, लंगूर वीर हनुमान जी कहा गया, हनुमान जी भी वहाँ पर रहते हैं और इनसे आज्ञा लेते हैं, ऐसा को लिखा है। पिंडी रूप प्रसाद चढ़ावे, अच्छा वहाँ पिंडी बनी है वहाँ पर प्रसाद चढ़ता है, पिंडी रूप प्रसाद चढ़ा रहे और नैनों से शुभ दर्शन पावे, और जो भी जाता है व्यक्ति वहाँ पर नैनों से मैया का दर्शन पाता है। जयकारा जब ऊंचा लागे, और जब जय जयकार जब ऊंची लगती है वहाँ पर, जयकारा जब ऊंचा लागे भावशक भक्ति का मन में जागे, और जितनी जयकारा वहाँ पर तेजोगे उतना मन में आपकी भक्ति जागेगी नैना देवी माँ के प्रति। आगे देखिए लिखते हैं यहाँ पर कि ढोल ढप बाजे शहनाई, ढोल मतलब ढोल बजते हैं और ढप मतलब होता है ये जो ढपली होती है वो बजती है, ढोल ढप बाजे शहनाई और शहनाई बजती है माँ के वहाँ पर, डमरू छहने गाय बधाई, और डमरू छहने गायें बधाई, और वहाँ पर लिखा है डमरू बजता है और छहने गायें। और देखिए यहाँ पर छहने का मतलब यहाँ पर दो निकलता है कि या तो छहने की मिठाई वहाँ बटती है और छहने गायें, और छहने गायें का मतलब होता है वहाँ पर जो माँ के गीत वहाँ बनाए जाते हैं इसलिए बधाई के रूप में वहाँ पर बोले जाते हैं। सावन में सखियन संग झूलो, और ये कहा जाता है मैया सावन जब आता है तो माँ सखियन संग झूला झूलती हैं, अष्टमी को खुशियों से फूलो, और जो अष्टमी आती है उसमें पूरा खुशियां भर जाती है वहाँ पर मेला लगता है, इसलिए कहा अष्टमियों को खुशियों से फूलो। अब कन्या रूप में दर्शन देती, और जब आप पूजा रूप करेंगे तो मैया जो आपको कन्या रूप में दर्शन देंगी, दान पुण्य अपनों से लेती, और दान पुण्य मैया अपनों से ही लेती, जो उनकी भक्त होता है उसी से मैया दान पुण्य लेती हैं, और तन मन धन तुमको निछावर, अब जो भक्त है वो आपके ऊपर तन हो मन हो धन हो सब आपको निछावर कर देता है, मतलब आपको पैरों में अर्पण कर देता है। और मांगू कुछ झोली फैलाकर, और मैया मैं जो भी पूजा भक्ति अगर मैं भक्त हूँ आपका तो मेरा हक बनता है कि मैं झोली फैलाकर आपके साथ कुछ भी मांग सकता हूँ। मुझको मात विपत ने घेरा, ए माता मुझको विपत मतलब परेशानी ने घेर लिया है, विपत मतलब परेशानी ने घेर लिया है, मोह माया ने डाला फेरा, और जो मेरे मोह माया ने डाला फेरा, फेरा मतलब होता है मेरे मन को, मतलब मेरा मन जो है मोह माया में फंस गया है माता, वो सब आपको भूल गया है, तो मोह माया ने डाला फेरा, काम क्रोध की ओढ़ी चादर, और मैया मेरे अंदर काम वासना आ गई है और क्रोध भी आ गया है, उसकी चादर ओढ़ ली मैंने, और बैठा हूँ नैया को डुबाकर, और मैं सब पूजा पाठ नैया मतलब सब पूजा पाठ करके अपना मैंने अपना जीवन डुबा लिया है, इस लिखा है ऊपर बैठा हूँ नैया को डुबाकर, अपनों ने मुख मोड़ लिया है, और जो मैंने कृत किया है उससे अपनों ने मुख मोड़ लिया है, और सवा अकेले सदा अकेले छोड़ दिया है, और मुझे अकेला हो गया हूँ माँ क्योंकि मैंने गलत काम किए हैं, मैंने गलत चीज़ें करी हैं, जीवन की छुट्टी है नैया, तो जीवन की छुट्टी है नैया, छुट्टी छुट्टी तो जीवन मेरे जीवन इतना जीवन जो है मेरा ख़त्म होने वाला है मैया, तुम बिन मेरा कौन खवैया, और जो मेरे जीवन की नाव है मैया उसको आप ही खे सकती हैं, क्योंकि अब मैं भक्त बन गया हूँ, अब मैं गलत चीज़ों को सुधारूंगा, इसलिए मैया आप मेरे जीवन रूपी नाव की आप खवैया बन जाएगी, मतलब जिस दिशा मुझे आप ले जाएंगी खवैया बनकर उस दिशा में मैं चल पड़ूंगा। आगे देखिए लिखते हैं यहाँ पर कि चरणामृत चरणों का पाऊँ, मैया जो चरणामृत है मतलब चरणामृत चरण का अमृत, जो प्रसाद चढ़ता है चरण का अमृत तो चरणामृत कहा गया है, चरणामृत चरणों का पाऊँ नैनों में तुम्हारे बस जाऊँ, और मैया ऐसा करिए कृपा करिए मैं इतना भक्ति मैया मुझे दीजिए कि मैं आपके नैनों में बस जाऊँ, कि मैया मैं हमेशा आपके नैनों में रहूँ, माँ हमेशा मुझे आप याद रखें, तो तुमसे ही उद्धारा होगा, मतलब मैया आप ही से मेरा उद्धार करेंगी, जीवन में उजियारा होगा और जीवन में आप उजियारा करेंगी, कलियुग की फैली है माया, और मैया इस कलियुग की जो माया फैली मैया मुझे बचाइए जैसे मैं आपकी भक्ति कर सकूं और मैं कभी ना भूल सकूं आपको, नाम तिहारा मन से ध्याया, तिहारा मतलब आपका और नाम तिहारा मन से ध्याया, ध्याय मतलब ध्यान किया है, तो मैं मन से आपका ध्यान करता हूं मैया, कृपा करिए मैया मेरे ऊपर। आगे दोहा है कि नैना देवी नैनों में तेरी ज्योति समाई, तो नैना देवी माँ नैनों में तेरी मेरे आँखों में आपकी ज्योति माँ समा गई हमेशा के लिए, ओम ने करके आरती महिमा जग में गाई, और जो आरती होती है ओम ने करके आरती,
ओम मतलब जो इसके रचयिता हैं, ओम ने करके आरती महिमा जगवा महिमा आपकी जग में गा दी है। तो ओम रचयिता हैं, और इससे ये भी मालूम पड़ता है जो ओम होंगे ये राजस्थान कहीं है, तभी इन्होंने वहाँ गुज्जर के बारे में पूरी कहानी बताई है। जय श्री राम, जय श्री राम। आपको अच्छा लगा सब्सक्राइब करिएगा। जय नैना देवी।